वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया के हरेक बंदे नू अपने उपर बड़ा माण है कि मेरिया बहुत वड्डियां लिहाजा ने, मेरे को बहुत वड्डे मरतबे ने, मेरा अहुदा बहुत वड्डा आ, मेरे को जमीना जायदादां तन पदार्थ बहुत ने। सुहपण की गल करिए, सुहपण का भी माण करता है। एक बार एक बादशाह किसी फकीर लोगों की संगत दे विच गया। फकीर लोगों की संगत में गया, बड़ा प्रभावित होया। तो प्रभावित होकर उन्होंने कहता कहता, फकीर लोगों मेरे लिए कोई हुक्म हो दसो। फकीर लोग कह लगे भी नहीं, सानू तेरे तो कुछ नहीं चाहिए। कहन लगा, नहीं मैं इस देश का बादशाह हाँ, तुसी जो मंगोगे मैं तुहाडे सामने हाजिर कर देंगा। एक मक्खी वार वार फकीर दे मत्थे ते बैठ रही सी। फकीर मुस्कुरा के कहन लगा, कहन लगे राजा, जे तेरे कोल एडी ताकत है, आ जिहड़ी मक्खी मेरे मत्थे ते बैठदी पई है, तू इहनू थोड़ा जिहा वरज ते सही। बादशाह कहन लगा, फकीर जी गल किवें दी करदे हो, यह मक्खी थोड़ा मेरे कंट्रोल दे विच है, ये तो किसी के हुक्म की बद्दी चलती पई है, तो इहनू रब प्रेरणा करदा आ, ये अपनी मर्जी की आप मालक आ। साईं लोग कहन लगे, बादशाह असीं भी तो तैनू यही समझाउंदे सां, भलिया जिन्ना पदार्थां दा जिन्ना जायदादां दा तू माण करदा आ, असल दे विच ये एक मक्खी नू कंट्रोल करन दे वस विच नहीं। किन्ना गल्लां दा हंकार करदा है। जे साईं लोगों कोल आउणा, रब दे पैरां कोल आउणा, छोटा बन के आ, निम्रता दे नाल आ, सगों रब दे पैरां तों कुछ लैण जाईदा, कुछ देण नहीं। असीं भी इन्हां गल्लां प्रति सुचेत होईए। सानू भी कम से कम इन्ना ध्यान रखना चाहिए कि असी मंदरां विच, गुरुद्वारियां विच, धार्मिक स्थानां ते कुछ देन नहीं लैण जाने आ। कदे दाते बन के ना जाओ, मंगते बन के जाओ, रब रहमतां बख्शिशां दे के नवाजदा आ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।